लेक्चर नंबर टू जनरल साइंस 2013. ओके सो बायोलॉजी इज द देश, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. साउंड इज देश, साउंड ट्रांजिटल वेव भी पढ़ोगे, मैकेनिकल वेव भी पढ़ोगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पढ़ोगे, तो दैट इज ऑल ऑफ देम. ओके नेक्स्ट वन, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास ये है, एटॉमिक वेट ऑफ एच जी, एच जी मीन टू से मरकरी, उसका एटॉमिक वेट क्या है 200. जाइलम एंड फाइलम आर ग्रोथ टिश्यूज, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं अंदर, जाइलम और फाइलम ये दोनों ग्रोथ टिश्यूज होते हैं जो वाटर वगैरह या सब्सटेंसेस ट्रांसफर वगैरह करते हैं. CH3COOH इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. लुईस पाश्चर एक माइक्रोलॉजिस्ट भी था और दूसरा केमिस्ट भी था. सो BNC. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन डैश यूनिट, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में स्टोइकोमेट्री में, तो जो सब्सटेंस को हम के मेजर करते हैं मोल में करते हैं. हु इन्वेंटेड रेडियो, मर्करी साहब. वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वान्टिटीज आर एक्सप्रेशन, अब ये जो बड़े बड़ी क्वान्टिटीज होती हैं और स्मॉल होती हैं उसको कैसे करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल साइन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन. यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसका होता है हर्ट्स, ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा बेसिक में. ओके देयरफॉर नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट प्रिस्क्राइब इन द बायोसिंथेसिस. ANB ये क्या है, हॉर्मोन्स में भी कोलेस्ट्रॉल में यूज होता है और विटामिन डी में भी जो बोन्स के लिए हमारी कि यूजफुल होती हैं. केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन गैस होता है CH4 जो आप सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो. ओके और ये मीथेन गैस कौन सा है जिसे आप सुई गैस कहते हैं, घर में यूज करते हो. एक्सपेंशन इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन जो सॉलिड को सॉलिड का शेप चेंज कर दे उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, वाइसला. जब हम किसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आप कॉटन ले लो, कॉटन को प्रेशर करोगे उसका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर छोड़ोगे वॉल्यूम बड़ा होगा, तो ये कौन सा है, वाइसला. एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जी आप बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3-4 में पढ़ोगे 9th क्लास के, यहाँ सेल के अंदर पढ़ते हो. ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ATP वगैरह खुद अपनी तैयार करता है. इन द लॉन्ग पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये जो आप केमिस्ट्री में एटॉमिक पीरियडिक टेबल पढ़ते हो ये किसकी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट है, एटॉमिक नंबर पे, नंबर्स पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे जो होता है. न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लिक एसिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है. ऑल देयरफॉर देश इज द बैकबोन ऑफ DNA, शुगर एंड फॉस्फेट, DNA के अंदर जो चेन में होते हैं वो होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट कॉमन होते हैं. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल एंड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एटम. थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.